रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना ने यूक्रेन पर हजारों ड्रोन अटैक किए हैं और ये हमले इतने घातक रहे हैं जिनकी वजह से यूक्रेन को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन युद्ध की वजह से रूसी सेना हथियारों की किल्लत से जूझ रही थी और इस घड़ी में वो ईरान ही था जिसने पुतिन को अपने हजारों घातक ड्रोन दिए हैं। यहाँ तक कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव ईरान की राजधानी तेहरान भी गए थे, जहाँ पर उन्होंने एक बड़े ड्रोन प्लांट का दौरा भी किया था। लेकिन अमेरिका समेत नेटो ने ईरान के इस काम को लेकर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है और यही वजह थी कि ईरान ने इन ड्रोन्स को रूस के भीतर ही मैन्युफैक्चर करने का फैसला लिया था, क्योंकि ईरान के ड्रोन प्लांट्स पर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा था। और अब इसी कड़ी में रूस ने इन प्लांट्स को लगाने के लिए काम तेजी से शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी इसको लेकर एक खबर दी है। रॉयटर्स का कहना है कि सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की तस्दीक होती है कि रूस में बड़े पैमाने पर ईरानी ड्रोन्स के प्रोडक्शन के लिए प्लांट बनाए जा रहे हैं और इन प्लांट्स में ईरान द्वारा डिजाइन किए गए कामिकेज ड्रोन्स बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ होगा। और बड़ी बात यह है कि इन प्लांट्स का मालिक जेएससी अलाबुगा या इससे जुड़ी हुई कंपनियां हैं और इन पर ना ही अमेरिका और ना ही उसके सहयोगी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। इस बात की जानकारी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट ने दी है। इससे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने रूस में बन रहे ड्रोन प्लांट्स को लेकर एक फ्लोर प्लान जारी किया था और अब सैटेलाइट तस्वीरें इस फ्लोर प्लान से मेल खाती हैं और लीक हुए दस्तावेजों के मुताबिक प्लांट की ये इमारत शहीद 136 ड्रोन को बनाने में इस्तेमाल होगी, जिसमें ड्रोन की क्षमता को और ज्यादा उन्नत बनाया जाएगा। वहीं सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चलता है कि रूस इन प्लांट्स के लिए अन्य इमारतें भी बना रहा है और नए सुरक्षा के मानकों के साथ चेक पॉइंट्स भी बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्दियां तेजी से आ रही हैं और रूस यूक्रेन के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर शहीद 136 ड्रोन से हमले तेज कर सकता है, जिससे यूक्रेनी लोगों की जिंदगी कड़ाके की सर्दी में बद से बदतर हो जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी अपने ऊर्जा ढांचों पर रूसी हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। पिछली सर्दियों में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों पर कई बड़े हमले किए थे जिसने यूक्रेन को अंधेरे में डुबो दिया था। वहीं दूसरी तरफ रूस में ड्रोन बनाने के लिए जो प्लांट बन रहा है वो मॉस्को से पूर्व में करीब 800 किलोमीटर तार्तस्तान रिपब्लिक में स्थित है और इन प्लांटों को बनाने वाली कंपनी अलाबुगा जेएससी में रूसी सरकार की 66% हिस्सेदारी है।